अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में एक्सरसाइज में सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स हैं और दोनों जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड हैं, तो आज हम ये दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें, द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ अ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। एक घर है, उसकी छत जो है उसकी जो मोटाई है मतलब L जो है थिकनेस जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। हैज़ एन एरिया ऑफ 200 मीटर स्क्वेयर, उसका जो एरिया है वो कितना है 200 मीटर स्क्वेयर। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आउटसाइड इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अंदर का टेम्परेचर 15 है और बाहर का 35। और आपको पता है T1 और T2 हमने लिया था, T1 ज़्यादा वाला टेम्परेचर आपने लेना होता है और T2 क्या हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड कम वाला। फाइंड द रेट एट विच थर्मल कंडक्टिविटी विल बी कंडक्टेड। रेट मालूम करें, रेट का मतलब है क्यू ओवर टी मालूम करें, इसको आपने एक ही चीज़ लेना है, ठीक है। जबकि द वैल्यू ऑफ कंक्रीट की कीमत 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन है। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना, क्यू ओवर टी यहाँ एक ही हम चीज़ लेंगे क्योंकि रेट की बात हो रही है। अगर खाली क्यू की हीट की बात होती तो हम क्यू मालूम करते, टाइम की बात होती है हम टाइम मालूम करते, ठीक है, लेकिन यहाँ रेट की बात हो रही है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन डाटा, गिवन डाटा में स्टूडेंट सबसे पहले जो चीज़ दी गई है वो दी गई है एल। एल दिया गया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो ये आएगा 0.02 मीटर, ठीक है। एरिया जो दिया गया है वो दिया गया 200 मीटर का स्क्वेयर। T1 दिया गया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 जो दिया गया है वो दिया गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स हम डेल्टा टीज का मालूम करते हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2, तो वो 35 में से 15 आप माइनस करेंगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। चेंज जो होता है ना वो केल्विन के इक्वल होता है। ये हम चैप्टर नंबर 7 जब मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर नंबर 8 तब आपको बताऊंगी हमने केल्विन क्यों लिखा, लेकिन आपने लिखना है। अब के की वैल्यू आपको दी गई है 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। आगे फाइंड आउट हमें क्या करना है, रेट मीन्स क्यू ओवर टी हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखें, क्यू ओवर टी इज इक्वल टू, हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, के ए इंटू T1 माइनस T2 ओवर L, ठीक है। सो क्यू ओवर टी इज इक्वल टू, के की वैल्यू आपको दी हुई है 0.65, एरिया की वैल्यू भी आपको दी हुई है 200, T1 माइनस T2 हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया 20, डिवाइडेड बाय लेंथ की वैल्यू 0.02 मीटर। सो स्टूडेंट्स आप इन सबको मल्टीप्लाई करके 0.02 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 13,000। और रेट क्यू का यूनिट जाउल होता है, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये हो जाएगा जाउल पर सेकंड। तो ये आपके पास आ गया रेट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। ये भी आप देख लें पहले बुक से, हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर, एक घंटे में कितनी हीट ज़ाया हुई है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ मालूम करनी है वो क्यू करनी है, और टाइम आपको जो दिया गया है वो एक घंटा दिया गया है। मेजरिंग 2 मीटर बाय 2.5, स्टूडेंट्स आपने याद रखना है जब कोई दो लेंथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसका मतलब होता है वो एरिया है, तो इसका मतलब है एरिया बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इनसाइड टेम्परेचर 25, बाहर वाला कितना, आउटसाइड वाला 5 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 ज़्यादा वाला होता है, T2 कम वाला। थिकनेस ऑफ ग्लास जो है L जो है वो 0.8 सेंटीमीटर है और K की वैल्यू 0.8 वॉट पर मीटर पर केल्विन दी गई है। तो हम देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल, स्टूडेंट सबसे पहले जो आपको वैल्यू दी गई है वो दी गई है एरिया की।
एरिया आपको दिया गया 2.0 मीटर बाय का मतलब मल्टीप्लाई 2.5 मीटर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टाइम आपको दिया गया है 1 आवर, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स आ गया। T1 ज़्यादा वाला टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 आपको जो दिया गया है वो दिया गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स इधर भी डेल्टा टी मालूम करेंगे, 25 में से 5 माइनस किया तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 20 केल्विन के, K लगाना होता है। ये मैं आपको मैंने पहले भी कहा, मैं 8th चैप्टर में आपको बताऊंगी कि ऐसा हमने क्यों किया। उसके बाद स्टूडेंट जो आपको लेंथ दी गई है वो दी गई है 0.8 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में करेंगे 0.8 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आएगा 0.008 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको K की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 0.8 वॉट पर मीटर पर केल्विन टू फाइंड। मालूम करने के लिए आपको क्या कहा गया, हाउ मच हीट, खाली क्यों मालूम करने के लिए कहा गया, पीछे में तो रेट मालूम करना था हीट का, अब हमें सिर्फ क्यू मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पढ़ा था क्यू ओवर टी इज इक्वल टू के ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मूला पढ़ा था क्यू ओवर टी का। अब हमें मालूम करना है सिर्फ क्यू मालूम करना है, तो क्यू आपका इधर ही रहेगा, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू के ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्यू इज इक्वल टू K की वैल्यू स्टूडेंट 0.8, एरिया की वैल्यू 5, T1 माइनस T2 20, टाइम आपके पास है 3600 और L की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, वो दी गई है 0.008। स्टूडेंट्स इन सबको आप मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10^7 जाउल। स्टूडेंट्स हीट का यूनिट क्या होता है, जाउल, तो यहाँ पे हम सिर्फ जाउल लिखेंगे। अब वहाँ पे हमने जाउल पर सेकंड इसलिए लिखा था बिकॉज वो टाइम से डिवाइड हो रहा था। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है क्यू जो है मीन्स हीट जो है वो एनर्जी, और एनर्जी जो है उसका यूनिट वही होता है जो वर्क का होता है, वर्क का यूनिट जाउल होता है और एनर्जी का यूनिट भी जाउल ही होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है इससे रिलेटेड, ये भी आप लोगों ने खुद ही देख लिया ना, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। इसमें जो थिकनेस है वो 25 सेंटीमीटर है, मतलब L, एरिया 20 मीटर स्क्वायर दिया गया है, टेम्परेचर इनसाइड आउटसाइड T2 कम वाला T1 ज़्यादा वाला, फाइंड द रेट, इसमें क्यू ओवर टी मालूम करने के लिए कहा गया है और K की वैल्यू आपको दी गई है। तो इसमें आप इसी तरीके से वैल्यूज पुट करके ये न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।